आज हम ट्राई करने वाले हैं कचौड़ी। कचौड़ी की रेसिपी आज हमारे पास बनने जा रही है। देखो अब हम आलू वालेंगे सबसे पहले। ये देखो कुकर में हम आलू वालेंगे। चलो भाई बंद कर देते हैं और सीटी लगाते हैं। इसे बंद करो। अब उसके बाद हमारे पास दो सीटी लगने के बाद आलू हमारे पास रेडी होगा। और ये देखिए इंडक्शन करा हमने चालू। वाह भाई वाह। अब देखिए मसाले में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आएगी ऑनियन यानी प्याज। प्याज की हमने दो घंटी ली। अब इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली यानी कि हमारे पास हरी मिर्च। चलिए भाई ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा जिंजर यानी कि हमारे पास अदरक, छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने। और फिर उसके बाद हमारे पास आएगी लहसुन यानी गार्लिक। ये देखिए अब इसे हम लोग एक मिक्सचर में ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के बाद हमारे पास इसका एक पेस्ट बनेगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेसिंग है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फाइनली हमने देखिए पेस्ट बना लिया हमारे पास मोटा मोटा। हमने थोड़ा सा बारीक भी पीसा हुआ है। हमारे पास ग्रीन चिली, गार्लिक और आपका छोटा सा अदरक का टुकड़ा हमारे पास है, उसका पेस्ट बना लिया है। आलू भी हमारे पास उबल चुके हैं। अब हम मिक्स करेंगे इन्हें। मिक्स करने के बाद जो इनका हमारे पास मिक्सचर बनेगा उसके बाद हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आलू उबालने के बाद हम लोग कद्दूकस से चॉप कर रहे हैं ताकि हमारे पास जब हम आटे में इसे डालें तो अच्छे से हमारे पास लोई मिल जाए ताकि हमारे पास कचौड़ी और भी मस्त बने। ये देखिए कैसे हम लोग मिक्स कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अब देखिए मसाला हमारे पास क्या क्या मिक्स करना है। चलिए एक एक करके दिखाते हैं। और ये आई हमारे पास रेड चिली पाउडर। वाह भाई वाह। और फिर उसके बाद ये आया हमारे पास धनिया पाउडर। और फिर ये आया हमारे पास गरम मसाला। ये हमारे पास होममेड गरम मसाला है जो हमने घर पे बनाया है। बाज़ार से भी लेके आप लेकर डालकर बना सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन घर का बना हुआ मसाले की बात ही कुछ और है। और नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। ये देखिए मसाले में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने लिए हैं। और ये देखिए नमक डाला हमने। और फिर उसके बाद हमने जो हल्की सी चॉप की थी ऑनियन वो भी डाल दी हमने। और फिर इसके बाद हमारे पास आया देखो ग्रीन चिली। वाह भाई वाह। ये भी मिक्स कर देंगे हम। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। करो मिलाओ। ये देखिए अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे। सारे के सारे हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। फिर देखिए आगे अब इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी डालेंगे। और कोरिएंडर से हमारे पास यानी कि धनिया, इससे हमारे पास इसका स्वाद बढ़ जाता है। और उसके बाद इसे हम मैश करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे। देखिए भाई मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आने लग गया है। और ये देखिए भाई साहब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, घर के मसालों की बात ही कुछ और है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है हमारे पास बाहर के मसाले को भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन घर के जो अपने खुद के मसाले होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। उससे हमारे पास इसका स्वाद दुगना हो जाता है। ये देखिए हम लोग मिक्स कर रहे हैं इसे। और मिक्स करने के बाद हमारे पास कचौड़ी का पेस्ट यानी कि पत्ता इसका रेडी हो चुका है। उसके बाद बस हमारे पास कचौड़ी तैयार होने के लिए रेडी है। और ये देखते रहिए आप लोग अच्छे तरीके से मैश करेंगे। ये देखिए अब इसके बाद हम लोगों का ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग कचौड़ी फ्राई करने वाले हैं यानी कि तलने वाले हैं, उसके बाद हम देखते हैं। और अब हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी फ्राई होने जा रही है। चलो एक कप डालते हैं। और अब हमारे पास कचौड़ी एक तरीके से रेडी होने वाली है। देखिए कितना हमारे पास क्वान्टिटी में वो भरा हुआ है। ये देखो भाई ओए ऐसी कचौड़ी अगर सफ़र में मिल जाए तो मज़ा आ जाए कुछ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए और इधर हमारी कढ़ाई भी रेडी हो गई यानी कि तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब ये देखिए हल्का सा तेल लगा दिया है इस पर ताकि ये चिपके नहीं। अच्छा एक चीज़ और, इस पर आटा नहीं लगता है, इस पर हमारे पास तेल से ही हमारे पास होता है। गर्मा गर्म कचौड़ी ट्राई कीजिएगा आप लोग ज़रूर। ये देखिए भाई वाह भाई वाह। मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया।
और अब ये जाएगी हमारे पास गर्म। अच्छा आप गर्मा गर्म कचौड़ी ये है। ये देखिए क्रिस्पी हो चुकी है हमारे पास कचौड़ी। वाह भाई वाह, कलर देखो कितना बढ़िया है। और ये देखिए भाई मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसे 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 कलर देखो कितना बढ़िया है हमारा। ये देखिए दिखाता हूँ एकदम करारी और क्रिस्पी। किसके साथ मैं ट्राई करने आ रहा हूँ, ये आया मेरे पास दही और ये मेरे पास आया सूखे आलू। ये देखिए भाई ना, और भाई गरम गरम अब मैं ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।